निश्चय प्रेम प्रतीति ते बिनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है अमेरिका से हमारे सब्सक्राइबर और हनुमान जी के परम भक्त ने, जो कि एक कैथलिक यानी क्रिश्चियन होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी की दिल से भक्ति करते हैं। सुनकर आश्चर्य हुआ ना? आप सोच रहे होंगे कि एक कैथलिक, वो भी श्री हनुमान जी का परम भक्त, विश्वास करना मुश्किल है। मगर दोस्तों, इन्होंने हमें अपने 3 ऐसे हनुमान जी के चमत्कार के अनुभव को शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी श्री हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwaghela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार की एक और सच्ची घटना। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम इवान एंथनी है और मैं अमेरिका में रहता हूं। मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मैं कैथलिक रिलीजन से बिलोंग करता हूं। मैं हमारे क्रिश्चियन ट्रेडिशन में पला बड़ा। हमारे बाइबल और जीसस का आध्यात्मिक ज्ञान लेने और प्रेयर्स के लिए हम हर संडे चर्च और संडे क्लासेस जाते थे। मैंने चर्च, कैथलिक स्कूल और कॉलेज में भी सेवाएं प्रदान की है। पुणे में जहां हम रहते थे, वहां आस पड़ोस में ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी थी। श्री हनुमान जी के चमत्कार के अनुभव से पहले भी हम बचपन से ही हर संडे दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। और मेरे फेवरेट कैरेक्टर रामायण सीरियल में श्री हनुमान जी ही थे। मैंने मेरी जिंदगी में कई बार हनुमान जी के चमत्कारों को अनुभव किया है। और आज मैं आपको 3 ऐसे चमत्कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कैथलिक होते हुए भी मेरी श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा इतनी है कि मैं हर रोज श्री हनुमान जी के नाम का दिया जलाता हूँ और पूजा करता हूँ। मुझे इस दिए में श्री हनुमान जी की छवि नजर आती है। ये वही दिए की फोटो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये बात 1999 की है, जब मैं 16 साल का था। तब मैंने श्री हनुमान जी के चमत्कार को पहली बार महसूस किया था। मुझे एक सीरियस स्किन की बीमारी हो गई थी। मैंने बड़े से बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास मेरी ट्रीटमेंट कराई, मगर बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। पीड़ा इतनी बढ़ने लगी कि मेरी स्किन बिल्कुल खराब हो गई थी। मेरी स्किन से फंगस, पस और ब्लड आने लगा था। ये पीड़ा मैंने 2 साल झेली। डॉक्टर की ट्रीटमेंट और दवाइयों में मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरी इस स्किन की बीमारी से त्रस्त होकर एक पंडित को मेरी पीड़ा बताई। उस पंडित ने सिर्फ यही कहा कि मुझे हर शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करनी होगी और श्री हनुमान जी आपकी हर तकलीफ दूर कर देंगे। मैंने तकरीबन 9 शनिवार मंदिर जाकर तेल और पत्तों का हार खरीद कर श्री हनुमान जी को अर्पित करता था। मगर कैथलिक होने की वजह से मुझे मालूम नहीं था कि कैसे श्री हनुमान जी की पूजा करें। मगर फिर भी मैं दिल से उनका नाम लेकर दिया जलाता, तेल और हार अर्पित कर देता। आप सभी को विश्वास नहीं होगा कि वो 9 शनिवार जो मैं मंदिर जाता था, उसी वक्त धीरे धीरे मेरी स्किन की बीमारी कब जड़ से ठीक हो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तब से मेरी श्रद्धा श्री हनुमान जी के प्रति बढ़ने लगी। मैं इतना मैच्योर नहीं था, बीमारी ठीक होते ही मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। दूसरी बार मैंने श्री हनुमान जी का चमत्कार महसूस किया था 2008 में। तब मेरी शादी भी हो गई थी। मैं अपनी बीवी और मेरी 1 साल की बेटी के साथ यूरोप में रहता था। उस वक्त मुझे एक समस्या ये थी कि हफ्ते के 7 में से 5 दिन मुझे ज़बरदस्त सर दर्द होता था। मैं रेगुलर पेन किलर की गोलियाँ खाता था। मुझे मेरे काम से ब्रेक की ज़रूरत थी और मैं अपनी जॉब से खुश नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुराल गया था। वहाँ एक महाराज आए हुए थे। मेरे ससुराल वालों ने उन्हें मेरी समस्या बताने को कहा। मैंने उन्हें मेरे सर दर्द और जॉब की समस्या बताई। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मेरी जन्म तारीख मांगी। जन्म तारीख बताने के बाद उन्होंने मुझे एक हनुमान मंत्र लिखकर दिया, जो कि था ओम जय श्री वीर हनुमंताय नमः। उन्होंने मुझे इस मंत्र का जाप हर रोज 9 बार, वो भी 9 मंगलवार तक करने को कहा। जैसे ही वो महाराज ने मुझे जाप करने कहा था, मैंने वैसे ही जाप किया और कुछ ही दिनों में मेरा सर दर्द गायब हो गया। मैं अपनी जॉब से परेशान था।
मैंने नई जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में आईटी क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिक्स कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया। मुझे आईटी का अनुभव तो था मगर हॉस्पिटल का नहीं। मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। एक रात को मैं इतना निराश हो गया कि मैंने आसमान में देखकर अच्छी जॉब के लिए मैंने वो महाराज ने दिया हुआ हनुमान जी का मंत्र जपना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे उस हॉस्पिटल से पता चला कि मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल सकती। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने जॉब ढूंढना जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद मुझे दूसरे शहर में जॉब मिल गई, मगर मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी को छोड़कर उस नई जॉब के लिए दूसरे शहर में रहना था। मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। तकरीबन 2 महीने वहाँ जॉब करने के बाद मुझे उस हॉस्पिटल से कॉल आया वहाँ के मैनेजर का, जिसने मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था। उसने मुझे उसी हॉस्पिटल में जॉब ऑफर कर दी। मैंने बिना हिचकिचाए जॉब के लिए हाँ कर दी। ये श्री हनुमान जी की ही कृपा थी कि मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया। एक बात ये भी थी कि जो पोस्ट के लिए मुझे जॉब ऑफर हुई थी उस पोस्ट के लिए मैं कम क्वालिफाइड था। फिर भी श्री हनुमान जी का चमत्कार देखो कि मुझे वो जॉब सामने से ऑफर हुई जिसके लिए मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। श्री हनुमान जी की इतनी कृपा हुई मुझ पे कि मैं हर वक्त दिल से श्री हनुमान जी का ही स्मरण किया करता था। ये जॉब मुझे 2009 में मिली थी और मैंने वहाँ 5 साल काम किया, मगर कुछ कारणवश मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। मगर वो 5 सालों का अनुभव मुझे जीवन के एक नए मुकाम पर ले गया था। आज 2019 में मैं एक रेप्यूटेड ग्लोबल हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ आईटी सिस्टम के पोस्ट पर हूँ और खुश हूँ। ये सब श्री हनुमान जी की कृपा से हुआ है। तीसरी बार और सबसे बेस्ट हनुमान जी के चमत्कार का अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं मदर मैरी के दर्शन करने वेलिंगकनी चर्च गया था। ये चर्च भारत के दक्षिण में चेन्नई के समुद्र तट के पास स्थित है। धार्मिक जगह होने के कारण यहाँ हजारों श्रद्धालु मदर मैरी के दर्शन करने आते हैं। मैं चर्च गया और मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, मगर मैं बहुत लंबा सफर करके आया था और थक चुका था, मुझे आलस आ रहा था। इसलिए मैंने मदर मैरी के दर्शन करने के बाद चर्च के बाहर जाने के रास्ते पर चल पड़ा। बाहर जाने का रास्ता थोड़ा संकरा यानी नैरो था। जैसे ही मैं बाहर निकला वहां मैंने कुछ देखा। पहले मुझे लगा कि कोई बिल्ली है, मगर जब मैंने पास जाकर देखा तो वो वानर था जो मेरे करीब आ रहा था। ये दृश्य देखकर आप सबको मैं कैसे बताऊं कि सबसे पहला ख्याल मेरे मन में श्री हनुमान जी का आया। वो वानर मुझे देखकर जरा भी डरा नहीं। ऐसा वानर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण था कि मेरे पास शब्द नहीं है। उस वानर के गोल्डन ब्राउन सिल्की बाल थे और एकदम साफ सुथरा था। एक अलग ही ऊर्जा उसमें दिखाई दे रही थी। वो मेरी ही तरफ एक बॉस की तरह आगे बढ़ रहा था, वो भी बिना डरे, जैसे कि वो हवा में चल रहा है। यह दृश्य देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना मात्र 2 से 5 सेकंड की होगी। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। पलब झपकाते ही वो वानर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गया। मुझे लगता है शायद वो श्री हनुमान जी ही होंगे जो मुझे रोकने आए थे और ये कहने आए थे कि मैं वापस जाकर अपनी इच्छा जो मैंने गरीबों को खाना खिलाने के लिए व्यक्त की थी वो पूरी कर सकूं, जो मैंने तुरंत श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद पूरी की। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है। मैंने वो वानर के बारे में गूगल में भी सर्च किया, मगर ऐसी कोई प्रजाति के बारे में मुझे पता नहीं चला। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव था। और कुछ ही महीनों बाद मुझे सपने में श्री हनुमान जी की लंगोट दिखी, तो मैंने श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर लंगोट अर्पित कर दी। मैं मानता हूँ श्री हनुमान जी हर जगह है, बस पवित्र मन और पवित्र दिल से याद करें, वे आपको सभी संकटों से बाहर निकालेंगे। पुणे हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो या कैनेडा, या फिर आज अमेरिका, मैंने जिंदगी के सफर में श्री हनुमान जी को मेरे साथ पाया है जो मेरी हर वक्त रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान किसी भी ज्ञाति या वर्ग का क्यों ना हो, अगर आप दिल से श्री हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो वे तुरंत आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके और जल्द ही हम आप सभी के लिए श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।